सबके लिए एक ऊर्जा देने वाला है, किसान को संबल देने वाली योजना है। जब आप पहले मुख्यमंत्री बने थे 2008 से 13 में, मैं भी विधायक था सौभाग्य से, तब भी आपने सबसे पहले कहा था कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उनके कर कमलों के द्वारा, जो किसान को बहुत संबल प्रदान करेगी। और वास्तव में सरकार जो किसान का मित्र बनकर के काम कर रही है, वो हमारे सबके लिए एक ऊर्जा देने वाला है, किसान को संबल देने वाली योजना है। जब आप पहले मुख्यमंत्री बने थे 2008 से 13 में, मैं भी विधायक था सौभाग्य से, तब भी आपने सबसे पहले कहा था कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उसके लिए कृषि के जो विद्युत बिल हैं उसकी दरें नहीं बढ़ेंगी। ये ऐलान आदरणीय सोनिया गांधी जी जब जयपुर में पधारी थी तब आपने कहा था, और 5 साल तक आपने बिजली की दरें किसान के कृषि कनेक्शनों के जो बिल है उसको नहीं बढ़ने दिया था। और एक इसका अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में किसानों में गया था। और जब अब की बार आप मुख्यमंत्री बने तब भी आपने सबसे पहले एक ही बात कही कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें बजट कहीं से भी लाना पड़े, उनके लिए जो भी फैसले करने पड़े हम लोग करेंगे। और आपने ये इतना बड़ा फैसला किया क्योंकि भाजपा की सरकार ने जाते जाते 800 रुपए के लगभग छूट देने की बात की थी किसानों को जिनके कृषि कनेक्शन है, लेकिन उसमें वित्तीय प्रावधान भाजपा की सरकार ने नहीं किया था। अक्टूबर में फैसला हुआ था, दिसंबर में चुनाव हो गए थे, और उसके बाद में आपने सरकार बनने के बाद में काफी दिन तक इसको चलाया, लेकिन बजट भी प्रावधान नहीं होने के कारण से आपने ये कहा कि हम इसको बजटरी प्रावधान करते हुए एक योजना बहुत अच्छी सशक्त बना करके और उसके बाद में किसानों को फायदा देने की बात करेंगे। आज मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस योजना के बाद में जिस किसान के 10 HP का कृषि कनेक्शन है वो किसान फ्री में अपनी कास्ट करेगा, उसके 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई राहत किसान को मिल नहीं सकती। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि किसानों की इतनी दुआएं आपको मिलेंगी, क्योंकि एक तरफ हमारी सरकार है जब किसान को 10 HP तक के लिए फ्री में कनेक्शन दे रही है और बिजली का उसका बिल जो है वो पूरा फ्री में मिलेगा, और एक तरफ मोदी जी की सरकार है। मैं कहना चाहूंगा किसान 8 महीने से भाजपा के हमारे MLA साथी भी जुड़े हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कैसे किसान परेशान है लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आज उनसे बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी लोकप्रिय सरकार है जो सबको साथ जोड़ करके, मैं देख रहा कि जब उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे थे तमाम वो विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, आपने खुले दिल और दिमाग से किसान के हित में ये फैसले किए हैं, क्योंकि बिजली आज हमारी अति आवश्यक हो गई है। आपने परवाह नहीं की 1500 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, 1600 करोड़ रुपए पहले से सब्सिडी के लग रहे हैं, 3100 करोड़ रुपए एक साथ भारत राज्य सरकार के ऊपर आएगा, लेकिन किसान के लिए आपने एक क्षण भी नहीं लगाया और आपने ये तत्काल फैसला किया कि 1000 रुपए प्रति माह हम किसान को देंगे और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 1 मई से लागू करेंगे। मैं समझता हूं इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते पहले भी जब हमने फीडबैक माकन साहब ने हमने लिया था तो आपके सामने हमने 5-4 समस्याएं रखी थी किसान की, मैं बताना चाहता हूं इस मौके के ऊपर आपने तत्काल उसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर विद्युत विभाग और हमारे ऊर्जा मंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई, आपने स्वयं ने समीक्षा बैठक ली और उसके बाद में वो फैसले किए कि किसान 20% में VCR अगर उसके भरा गया तो समझौता समिति में 20% राशि जमा करा के आ सकता है, जबकि वो 70% तक कर दिया गया था। आपने ये फैसला भी किया कि अगर कोई गैर उपभोक्ता है
उसने कनेक्शन नहीं ले रखा है, उसके वीसीआर भर गई, वो वीसीआर नहीं चुकाता तो उसके कनेक्शन नहीं होता, और बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो उस किसान की रोजी रोटी नहीं चलेगी। आपने तत्काल फैसला किया कि अगर वो एएन ऑफिस में जाकर के 50% राशि एकमुश्त जमा करा देगा तो आप उसको बिल्कुल फ्री में जो है उसकी वीसीआर खत्म कर देंगे और 50% में वो अपने आप को 5 साल होकर के अपना विद्युत का कनेक्शन। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल का नियम था विद्युत विभाग में कि 15 साल में अगर कनेक्शन कटा हुआ पड़ा है तो उसके बाद में वो किसान नहीं जोड़ सकता था। हमने आपसे आग्रह किया किसानों की मांग के ऊपर, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उसको 20 वर्ष किया और 20 वर्ष करने के बाद में 20 वर्ष करते ही काफी किसानों को इसका लाभ मिला है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को दिन में बिजली देने का जो निर्णय माननीय आपने किया है, किसानों को दिन में बिजली देने की शुरुआत हो चुकी है। मेरे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ वगैरह में दिन में किसान को बिजली मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि रात को किसान या महिलाएं परेशान होती है तो दिन में बिजली के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। और अभी दिनेश जी जैसे कह रहे थे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके बिजली का तंत्र कैसे ठीक हो सके इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो अब दिन में बिजली 2 साल के अंदर अंदर सबको दिन में बिजली मिलेगी, किसी को रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये काम भी आपने करने का काम किया है। एक और फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है कि कोई भी जो स्कूल है, चिकित्सालय है और ये ऐसे जो सरकारी संस्थान है जहां पर बच्चों वगैरह का आना जाना ज्यादा होता है, 50% विभाग को पैसे देने पड़ते थे और 50% पैसे सरकार विद्युत विभाग देता था, लेकिन आपने फैसला किया कि 100% पैसे विभाग देगा, आपको कहीं पैसा जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें की गई हैं, एक बहुत बड़ी सौगात आपने बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी दी है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों की बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए आपने कहा है कंपनी बनाने की घोषणा करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बजट में जो ये घोषणा की गई है, ये वास्तव में किसानों की जो एक्चुअल समस्याएं हैं, जो वो ले जा नहीं सकते या बता नहीं सकते, उनकी समाधान करने के लिए भी आपने एक नई कंपनी बनाने की घोषणा बजट में की थी, ये भी हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से किसान के जीवन में खुशियां लाने के लिए उसको और ज्यादा अपने परिवार को कैसे अच्छे तरीके से संवार सके, इसके लिए जो विद्युत विभाग के माध्यम से आपने जितने भी फैसले किए हैं वो आपके स्वागत योग्य हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पार्टी लेवल के ऊपर गांव गांव ढाणी ढाणी में पंपलेट लेकर के जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि वास्तव में किसान को ये सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, ये हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि किसान को नई जानकारी के अभाव में कई दफा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इसको पंपलेट बनाएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार किस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में किसान को खुशहाल बनाने के लिए, किसान को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए किस प्रकार के फैसले कर रही है। तो ये सब चीजें थी, समय काफी लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वीसीआर का मामला हो, चाहे बिजली के कनेक्शन पुनः जोड़ने की बात हो, चाहे कोरोना काल में जो बिजली का बिल नहीं जमा करा सके थे उनको रिलीफ देने की बात हो, चाहे समय समय पर पेनल्टी की माफ करने की बात बात हो, स्वैच्छिक जो भार भर्ती है उसका मामला हो, जब भी हमने बिजली से संबंधित आपको कोई बात बताई है आपने गंभीरता के साथ में उसके ऊपर फैसले किए हैं और उस फैसलों का आज पूरे प्रदेश में किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो आज ये जो योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, ये किसान की खुशहाली के लिए, किसान की बहबूदी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।